नमस्कार, मैं राखी गुज्जर और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पनोद धनगढ़ी मोहान क्षेत्र में बाघ के डर के चलते ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं लगातार हमला कर रहे बाघों को रोकने के लिए कॉर्बेट प्रशासन विदेशों की तर्ज पर पुतलों से बाघों को करंट लगाकर इंसानों से दूर रखने का प्रयास कर रहा है। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और वन प्रभाग रामनगर से लगते धनगढ़ी इलाके में पिछले दो हफ्तों में मानव वन्यजीव की दो घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद कॉर्बेट प्रशासन के साथ ही रामनगर वन प्रभाग की टीम द्वारा घटना को अंजाम देने वाले बाघ को लगातार ट्रैंक्विलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए ड्रोन की मदद और हाथियों की मदद लेने के साथ ही वेटनरी डॉक्टरों की तीन टीमें भी बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए क्षेत्र में लगी हैं। साथ ही ड्रोन और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ ही पहली बार विदेशों की तर्ज पर ही इलेक्ट्रिफाई इंसानों से दिखने वाली डमीज का उपयोग कर आक्रामक हो रहे बाघों के व्यवहार को बदलाव करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान वन्यजीव प्रेमी संजय छिमवाल कहते हैं कि निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत आवागमन होता है, क्योंकि पैदल के साथ साथ वाहन चालक बहुत बार रुक रुक कर सेल्फी भी यहाँ पर लेते हैं। पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर 6 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक बाघ पकड़ा नहीं गया है। हालांकि विभाग द्वारा इस बाघ को चिन्हित कर लिया गया है, साथ ही विभाग द्वारा इस बाघ को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीराज पांडे ने बताया कि अब ये चिंता का विषय है कि पिछले दो हफ्तों में बाघ द्वारा 2 युवकों को हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा हमला कर रहे बाघ को पकड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पिछले दो हफ्तों में इस क्षेत्र में मानव जीव संघर्ष की 2 घटनाएं लगातार घटित हुई हैं, जो चिंता का विषय है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग के माध्यम से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि संबंधित जो टाइगर है उसको ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू किया जा सके। इसके लिए हमारी 3 वेटनरी डॉक्टर्स की टीम भी लगी हुई है लगातार, और इसके साथ साथ ड्रोन्स और हाथियों का भी उपयोग किया जा रहा है। क्षेत्र में अलग अलग जगह पे कैमरा ट्रैप्स और लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिसके डेटा को लगातार हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 इलेक्ट्रिफाइड डमीज का भी प्रयोग किया जा रहा है। उन 2 इलेक्ट्रिफाइड डमीज के माध्यम से प्रयास ये है कि जो टाइगर्स इस तरीके के आक्रामक हो रहे हैं उनकी उनका बिहेवियर थोड़ा सा परिवर्तित हो सके। और विदेशों में इस तरीके के प्रयोग पहले किए जा चुके हैं, परंतु हाल फिलहाल में इस क्षेत्र में ये पहला प्रयोग इस तरीके का होगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी इलाके में आतंक का पर्याय बने बाघ को पकड़ने के लिए विभाग द्वारा काफ़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन अभी तक बाघ विभाग की पकड़ से बाहर है, जिसको लेकर अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और वन विभाग रामनगर ने संयुक्त रूप से मानव इलेक्ट्रॉनिक डमी लगाकर अब बाघ को जो है ट्रैंक्विलाइज करने की योजना बनाई है। पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि धनगढ़ी के समीप हाल ही में करीब 2 लोगों को एक साथ इस बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। बताया जाता है कि करीब 3 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2 से 3 लोग इस बाघ के हमले में घायल हो चुके हैं। अब बाघ को पकड़ने के लिए उन्होंने बताया कि 3 विभाग जो है टीमों का गठन किया गया है, जिसमें तीनों टीमों में पशु चिकित्सक शामिल हैं, और ट्रैंक्विलाइज करने के बाद उसे रेस्क्यू करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कैमरा ट्रैप के माध्यम से इस बाघ को चिन्हित भी कर लिया गया है, लेकिन अभी पकड़ से दूर है, और अब वन विभाग ने जो है ड्रोन और हाथियों से भी इसकी निगरानी शुरू कर दी है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बताया कि अब यह प्रयास विभाग का है कि मानव इलेक्ट्रिक डमी 2 लगाई गई हैं, 1 महिला और 1 पुरुष की, उससे जो है कि इसके सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। कि पूर्व उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व कालागढ़ क्षेत्र में इस तकनीकी का प्रयोग किया गया था, जो कि काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए थे। उन्होंने बताया कि अब इस डमी के माध्यम से एक प्रयास किया जा रहा है, और संभवतः उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि शीघ्र ही इस बाघ को ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इलाके में बाघ को लेकर लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।